नमस्कार, बोल किलब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। लोकतंत्र को कुचलने, जनमत को अनदेखा करने, लोकतंत्र का मजाक बनाने की परंपरा भारत में लगातार जारी है, इतिहास बन रहा है और देश की मीडिया, देश की संस्थाएं इस पर पूरी तरह से खामोश हैं। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज़ क्लिक पर मेरे साथ। कल राज्यसभा में उस बिल को आखिरकार पारित कर दिया गया दोस्तों, जिसके बाद अब दिल्ली के अंदर सरकार का मतलब उपराज्यपाल है, यानी कि जो 70 विधायक चुनकर आए हैं उनके कोई मायने नहीं है। और सबसे शर्मनाक बात ये कि जब केंद्र सरकार अपने तर्क रख रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, और वो आदेश क्या कहता है? वो आदेश ये कहता है कि आप दिल्ली सरकार को, यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार को, रोजमर्रा के कामों के लिए उपराज्यपाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। तीन विषयों को छोड़ के, जिनमें से एक है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा जमीन, इन्हें छोड़कर आपको बाकी मुद्दों पर जाने की जरूरत नहीं है। यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला था। केंद्र सरकार कल जब राज्यसभा में अपने तर्क रख रही थी तो वो ये कह रही थी कि हमारा जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए किया गया है। यानी कि दोस्तों, एक तरह से कहा जा सकता है कल्पना से भी विचित्र इस पार्टी का एक तरह से काम है। ये लोग कुछ भी कहते हैं और इनकी स्क्रूटनी के लिए, इनकी समीक्षा के लिए, इनके बयानों की समीक्षा के लिए कोई कुछ नहीं है। मैं आपको बात बता दूं कि इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। राज्यसभा पासेस GNCTD अमेंडमेंट बिल, सैड डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्रगल टू रिस्टोर पावर बैक टू पीपल। व्हाटएवर बी द ऑब्स्टिकल्स, वी विल कंटिन्यू डूइंग गुड वर्क। वर्क विल नाइदर स्टॉप नॉर स्लो डाउन। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि ये लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है और हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। दिल्ली की जनता के लिए जो हम अच्छा काम कर रहे हैं वो काम हम जारी रखेंगे। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष की नुमाइंदगी कल राज्यसभा में संजय सिंह ने कही थी और संजय सिंह ने बहुत ही भावात्मक अंदाज से अपनी बात रखी। एक एक करके मैं उनका बयान आपको सुनाने वाला हूं। सबसे पहले जो दिल्ली के अंदर हुआ है, उन्होंने उसकी तुलना महाभारत के उस अध्याय से की जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और उन्होंने बतलाया किस तरह से सांवैधानिक गरिमा का ह्रास हुआ है, उसका अपमान हुआ है। सुनिए, आज इस बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी मैं सत्ता पक्ष के लोगों को सुन रहा था। सिंघवी साहब ने बताया कि कैसे ये कानून सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है, कैसे ये कानून हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, कैसे ये कानून इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, कैसे ये कानून एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ है। और जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण राज्यसभा के अंदर धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, आज इस सभा के अंदर संविधान का चीरहरण हो रहा है। माननीय संजय सिंह यहां नहीं रुके, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह यहां नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा अपराध क्या है, क्या दिल्ली की जनता के लिए जो हम लगातार सेवा कर रहे हैं हमारा अपराध वो है। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, स्कूलों में जाते थे मकड़ी के जाले लगे होते थे, आज उन स्कूलों के अंदर एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के बच्चों के लिए बनाया, क्या यह हमारा अपराध है? मानो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां पर 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, लोगों का इलाज फ्री होता है, क्या यह हमारा अपराध है? मानो केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना की, विधवाओं की पेंशन दोगुना की, दिव्यांगों की पेंशन दोगुना की, गेस्ट टीचर की तनख्वाह दोगुना की, क्या यह हमारा अपराध है? मानव हमारा अपराध क्या है? हिंदुस्तान की पहली सरकार जिसने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, वो सरकार है केजरीवाल सरकार। आज उस सरकार को आप इस अपराध की सजा दे रहे हैं कि हमने जनता के हित में काम किया। आप जानते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि
भारतीय जनता पार्टी ने 1998 से लेकर अब तक लगातार अपने तमाम मैनिफेस्टोज में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत की है, मगर जब वो लगातार देख रही है कि हम कभी भी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या उसने इस तरीके से दिल्ली की जनता को सौगात दी? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो बार बार मैं अपने कार्यक्रमों में कहता रहा हूं कि ये केजरीवाल को झटका नहीं है, ये झटका है दिल्ली की जनता को, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी सरकार को एक एक फैसले के लिए मिन्नत करनी पड़ेगी, जिसकी एक मिसाल आपके सामने है। आपके दरवाजे तक अनाज या राशन पहुंचाने का जो फैसला है, उसके लिए उन्हें उपराज्यपाल के पास जाना पड़ा था, क्या ये जायज है? और संजय सिंह ने कल अपने भाषण में कहीं ना कहीं याद दिलाई बीजेपी को कि किस तरह से वो बात कर रही थी पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात, तो क्या हुआ तेरा वादा? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पूर्ण राज्य की वकालत 2098 के घोषणा पत्र में, 2003 के घोषणा पत्र में, 2008 के घोषणा पत्र में, 2013 के घोषणा पत्र में, 2015 के घोषणा पत्र में आपने हमेशा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत की, लेकिन क्योंकि 98 से लेकर आज तक 23 साल से आप चुनाव हार रहे हैं और दिल्ली में केजरीवाल से दो बार आप चुनाव हार गए, इसके कारण से आप एक चुनी हुई सरकार को खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, मानो एक ट्रेंड हो गया है, एक परंपरा हो गई है कि जहां आप सत्ता में नहीं हैं, वहां ताकत के बल पर, पैसे के बल पर सरकारों को गिरा दो। ढेरों मिसालें आपके सामने हैं। या फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। आपके सामने पुडुचेरी और मध्य प्रदेश की मिसाल है कि किस तरह से वहां सरकारें गिरा दी गईं। और फिर आपके सामने मिसालें हैं दिल्ली की, जहां पर बेरहमी से, बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। सिर्फ 8 सीटें आई उन्हें 70 विधायकों की विधानसभा में, और यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, और जो तर्क केंद्र सरकार दे रही है वो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद हैं। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि इतना बड़ा प्रकरण, मगर इसकी चर्चा जो है वो मुख्यधारा की मीडिया में नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो जानते हैं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वो कमज़ोर है। कल बिहार की विधानसभा में क्या हुआ, उसकी कहीं पर कोई चर्चा नहीं। मैं आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, एक महिला विधायक के साथ किस कदर बदतमीजी की जा रही है, ये उसकी वानगी है। आप मुझे बताइए, ये जो वीडियो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या किसी भी सूरत में इसे आप लोकतांत्रिक मान सकते हैं? एक चुने हुए विधायक के साथ इस तरह बदतमीजी, और आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा मंजर आप कभी नहीं देखेंगे जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, पुलिस की मौजूदगी में सफ़ेद शर्ट पहना ये शख्स किस तरह से एक विधायक को बुरी तरह से पीट रहा है। ये अपने आप को सिंघम समझते हैं क्या? मगर सिंघम ने भी जो किया था, उसने क्या किया था कि जो सत्ता पे ताकतवर राजनेता थे उसके साथ उसका सामना हुआ था, हालांकि वो एक फिल्म है। तो ये अपने आप को सिंघम ना समझें, ये मौका परस्ती है, ये किस्म का कायरानापन है जिसके अंतर्गत जो सत्ता में नहीं है आप उस पर धौंस जमा रहे हैं। और सबसे दुख की बात, सबसे जैसे कहते हैं ना अजीबोगरीब बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया से साफ हो जाती है कि वो किस कदर बौखलाए हुए हैं। ताकत का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ताकत का बेजा इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आपने लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, और अब आप जवाब देते समय इस कदर बौखला रहे हैं। देखिए इनकी बौखलाहट। और यहाँ के लोग शांति से बैठ रहे हैं, आप लोग जो अटैक करते हो, इधर के लोग अटैक करते हैं, इधर के लोग सुन लेते हैं, इस तरह का सीन यहाँ नहीं चाहिए। लोग भी गौर, यहाँ एक नई परंपरा का, नई समस्या के शुरुआत कर में पढ़ करके अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए, सदन नेता बोल रहे हैं, अपने आप को समझ लीजिए, सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं। विधानसभा में इस तरह का नहीं, आप विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर किस तरह से किया, यहाँ क्या किया, वहाँ जाके पता कर लीजिए। और पूरा का पूरा एनडीए के तमाम लोग बैठे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अंदर बैठे। और सबसे अजीबोगरीब बात दोस्तों,
इन दोनों घटनाओं की जिस तरह से, जिस प्रमुखता के साथ चर्चा होनी चाहिए, उसकी चर्चा नहीं हो रही। मीडिया किस बात की चर्चा कर रहा था, और उसमें भी देखिए बहुत दिलचस्प बात हुई है। मीडिया लगातार इस बात की चर्चा कर रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर सचिन वाजे नाम का एक इंस्पेक्टर जो है वो 100 करोड़ की उगाही कर रहा था महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के कहने पर। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कैसे? क्योंकि जो परमबीर सिंह थे उन्होंने ये आरोप लगाया था, और परमबीर सिंह जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए, बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए और वो आपकी सुनवाई करेगा। जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ दोस्तों, तमाम बड़े न्यूज़ चैनल से खबर गायब हो गई, क्योंकि इस मुद्दे पर मैं आपको बता दूं कि जो अघाड़ी सरकार है वो भी बहुत ज़्यादा उग्र हो गई है। आपके स्क्रीन्स पर ये खबर जिसमें गृहमंत्री अनिल देशमुख कह रहे हैं कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जाँच की जाए, क्योंकि अब तक क्या हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस कुछ दस्तावेज पेश कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स पेश कर रहे हैं। देखिए, आखिरकार आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये 100 करोड़ की उगाही हुई, क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते कि सचिन वाजे यकीनन वो शिवसेना का करीबी था। सचिन वाजे की ताकत बढ़ी इस सरकार के अंतर्गत, क्योंकि 16 साल तक ये सस्पेंडेड रहे और उस 16 साल वो शिवसेना में थे। मगर हकीकत ये भी है कि इन्हें नौकरी पर लगाने वाला शख्स कोई और नहीं, इन्हें पदोन्नति देने वाला कोई शख्स और नहीं, बल्कि परमबीर सिंह जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे। इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मगर मैं आपको महाराष्ट्र की मिसाल इसलिए दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि मीडिया से जोरों से कवर कर रहा था, अब वो पूरी तरह से गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है परमबीर सिंह को, और जो नुकसान करने की उम्मीद बीजेपी कर रही थी वो नुकसान नहीं कर पाए। मैं फिर दोहरा दूं, इसी मंच पर मैंने आपसे कहा था कि ये मामला जो है इसकी तह तक जाने की जरूरत है कि सचिन वाजे जैसा शख्स इतना ताकतवर कैसे था, क्यों उसने कथित तौर पर, मैं कथित तौर पर अलेजेडली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी इसे साबित होना है, क्यों उसने एक एसयूवी जिसके अंदर बारूदी छड़े थी वो उसने जो है वहां पर पार्क कर दी कारमाइकल रोड पर। उस पर यह भी आरोप है कि मनसुख हिरेन नाम का जो एक व्यापारी है उसकी हत्या करा दी जो कि इस एसयूवी का मालिक था। ये आदमी इतना ताकतवर क्यों था? क्योंकि आप जानते हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड मामला हो, अन्वय नायक का सुसाइड मामला हो, या फिर जो मुकेश अंबानी के घर के पास ये एसयूवी बरामद हुई, इन तमाम मामलों की जांच भी यही कर रहा था। यकीनन इस बात की जांच होनी चाहिए, मगर असली मुद्दों से हम ध्यान नहीं भटका सकते। और असली मुद्दा क्या है? वो असली मुद्दा है दिल्ली और बिहार के अंदर जिस तरह से लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, और ये अपमान वो सरकार कर रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है जो ये दावा करती है कि हमने आपातकाल के अंदर हमारे नेताओं को जेल हुई थी, हम जो है भागे भागे फिर रहे थे, और आज इन्होंने लोकतंत्र को लगातार कुचलने का काम जारी रखा है। बोल के लब आजाद हैं तेरे में, बस इतना ही। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.